मेरा नाम प्रतीक कुमावत है और ये पिछवाई कला का काम हमारे फोर फादर से होता आया है, दादाजी से पापा ने सीखा है और अब हम भी इस कला को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और नाथद्वारा में जो पारंपरिक पिछवाई जिस रूप में श्रीनाथ जी मंदिर में और जिस रूप में पहले रीत की पिछवाई, इसमें इनको रीत बोलते हैं, नाथद्वारा पिछवाई की जो रीत है उसके अंदर जो है अलग अलग दिन अलग अलग पिछवाई आती है। और जैसे पर्टिकुलर डे तो ये जिस जो पिछवाई हम बना रहे हैं ये दूज के चंदा की पिछवाई बोलते हैं इसको, दूज के दिन आती, साल में सिर्फ एक दिन ही आती है, अदर डे ये नहीं आती है, सिर्फ एक दिन के लिए आती है। लेकिन इसमें जो कलाकारी है तो इसमें क्या है, बादल बिजली का सीन और उस दिन जो चांद आता है तो पाँच चांद आते हैं, तो एक चांद इस पिछवाई में होता है, बाकी के चार चांद ठाकुर जी के मस्तक पर, कंधों पे और ठाकुर जी के मुकुट में होता है। और इसके अंदर जो वर्क है पेच वर्क द्वारा ये पिछवाई काम में आती है और साटन का जो है कपड़ा कटिंग करके उस पर टोटली रेशम का जरी और रेशम का सिलाई होती है और उसके द्वारा इसको जहाँ जहाँ पर जो बर्ड वगैरह सभी तो सारा की सारा इसके अंदर कलर का कहीं यूज नहीं होता है, टोटली सिलाई और रेशम का ही यूज है ऑलमोस्ट। अभी जैसे इसके अंदर इस पर आप नज़र डालो तो इसमें देखो आप मोर दिखेगा तो उसमें टोटली सारा वर्क रेशम का है। पारंपरिक रूप में ये जो प्रचलन है उसको हम आप आगे पीढ़ी से पीढ़ी आगे और एक प्रयास है कि इसको भी जिंदा रखें। अब जैसे हर सीजन में अलग अलग दिन अलग अलग पिछवाई आती है, वो उष्ण काल की ये शीतकाल में आती है, तो ऐसे हर पर्टिकुलर डे का अलग अलग, ये दीपावली पे जरी में उसमें चलती है उसकी अलग आती है।